बिहार के पूर्णिया में 26 जनवरी के मौके पर मधुबनी सिपाही टोला इलाके में एक घर पर कथित रूप से पाकिस्तानी झंडा फहराने की खबर सामने आई। मीडिया आउटलेट्स ने घटना के दृश्य दिखाते हुए ये खबर चलाई। ANI ने भी ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए घर पर पाकिस्तानी झंडा लहराए जाने का दावा किया। साथ ही में ये भी बताया कि स्टेशन हाउस ऑफिसर ने विवादित झंडा हटा दिया है। CNN न्यूज 18 के ब्रॉडकास्ट में भी ये दावा किया गया था। SHO Madhubani claimed that the flag has been removed and that the cops reached the suspect's house after getting information about it. Now this is the latest we are getting to you from Bihar. We can see that a Pakistani flag was raised. Now this is a Republic Day shocker that we bring to you from Bihar, where a Pakistani flag was unfurled on the Republic Day. The police reached the area immediately where the Pakistani flag was raised. Now this is in Purnia, in Bihar. Times Now No Bharat ne bhi apne show mein yahi dawa chalaya. बिहार के पूर्णिया जिले में रिपब्लिक डे के मौके पर पाकिस्तानी झंडा फहराने से इलाके में हड़कंप मच गया। शहर से सटे मधुबनी सिपाही टोला इलाके में एक मस्जिद से लगे एक मकान पर पाकिस्तानी झंडा लहराता मिला। ये मामला मधुबनी TOP थाना इलाके का है। इस बारे में जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मकान से पाकिस्तानी झंडा हटा दिया। पाकिस्तानी झंडा था वो, क्या जानकारी, क्या देखे? देख के उसको जांच पड़ताल के बाद ही हम बता पाएंगे या SDO साहब बता पाएंगे। क्या किसी गिरफ्तारी भी की जाएगी क्या? जैसा आदेश निर्देश करिए पदाधिकारी का होगा। पूछताछ के दौरान घर में मौजूद एक महिला रेहाना परवीन ने बताया कि उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि ये पाकिस्तानी झंडा है। इस झंडे को उनके भैंसुर के बेटे ने फहराया था। वहीं न्यूज 18 बिहार ने भी ये वीडियो रिपोर्ट ट्वीट की। ये दावा चलाने वाले मीडिया आउटलेट्स में द टाइम्स ऑफ इंडिया, जी न्यूज इंग्लिश, ANI हिंदी, ऑप इंडिया हिंदी, जी बिहार झारखंड, इंडिया TV, इंडिया TV हिंदी, द न्यू इंडियन, मिड डे, RSS का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर वीकली, TOI पटना और लाइव हिंदुस्तान शामिल है। वहीं कई वेरीफाइड सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ये दावा किया। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए पाया कि मधुबनी सिपाही टोला इलाके के एक घर पर कोई पाकिस्तानी झंडा नहीं फहराया गया था। स्क्रीन पर टाइम्स नाउ नव भारत की वीडियो रिपोर्ट का ये स्क्रीन ग्रैब ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि झंडे में डंडे वाली साइड पर नीले रंग की एक पट्टी दिखती है और वहीं उसके बाजू में ब्लैक एंड व्हाइट का ये पट्टा दिखता है। गौर करें कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे में ऐसी कोई पैटर्न नहीं होती है। वहीं पूर्णिया पुलिस ने भी ट्वीट करते हुए बताया था कि वहां पर कोई पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, बल्कि वहां पर एक धार्मिक झंडा लगाया गया था। 26 जनवरी को ही द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें पुलिस के हवाले से बताया गया था कि बिहार के पूर्णिया में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया गया था। रिपोर्ट में SDPO सदर सुरेंद्र कुमार सरोज ने इस बात की पुष्टि की कि एक महीने पहले घर पर धार्मिक झंडा लगाया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस उन लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये पाकिस्तान का झंडा था। ऑल्ट न्यूज ने पूर्णिया के SP आमिर जावेद से भी संपर्क किया। उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर द्वारा उतारे गए झंडे की तस्वीर हमें भेजी। इसमें साफ तौर पर उस झंडे पर काला और सफेद हिस्सा, वही साथ में नीली पट्टी दिखती है। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के प्रवक्ता डॉक्टर अनवर रजा कादरी ने बताया कि नीली पट्टी बगदाद शरीफ मस्जिद के गुंबद पर देखे गए पैटर्न से प्रेरित है। इसे घोषे आजम के नाम से भी जाना जाता है। काली जिगजैग रेखाओं वाला सफेद हिस्सा बरेली में दरगाह आला हजरत के गुंबद से प्रेरित है। भारत में कई मौकों पर यह झंडा फहराया गया है, जिसे लोगों ने पाकिस्तान का झंडा समझ लिया था। साल 2019 में ऑल्ट न्यूज ने ऐसे ही एक दावे का फैक्ट चेक किया था, जिसमें पंजाब के जालंधर में पाकिस्तानी झंडा लगाए जाने का भ्रामक दावा किया गया था।